जब भी हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ ऑटोमोटिव्स की या फिर इलेक्ट्रिक कार्स की, तो इस व्यक्ति का नाम जो है हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, और आता है इन्हीं के द्वारा बनाई गई कंपनी टेस्ला के बारे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 फीचर्स जो आपको देखने को मिलेंगे टेस्ला के कार्स में। अगर मैं बात करूं इन फीचर्स की, तो इसमें से कई ऐसे फीचर्स हैं जो आपको मे बी दूसरे कार्स में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो फीचर्स हैं एक तरीके से अगर कहें तो टेस्ला ने ही मे बी पायनियर किया है, या फिर इनको सबसे रिफाइंड तरीके से टेस्ला ही जो है एक ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्शन कार्स में आज के डेट में यूज कर रही है। तो टेस्ला जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। इनके जो इलेक्ट्रिक कार्स है बहुत ही बेहतरीन और काफी प्रीमियम और सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक कार्स में से माने जाते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फीचर की, जो मे बी आज के डेट में बहुत सारे और भी कार्स में अवेलेबल है, लेकिन टेस्ला ने जो है इस चीज को काफी रिफाइन कर दिया है, और वो है स्मार्टफोन के द्वारा कार में एक्सेस और स्मार्ट कार्ड के द्वारा। सो गाइस, टेस्ला की जो मॉडल 3 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें दोस्तों आपको कोई भी कन्वेंशनल की नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक स्मार्टफोन ऐप या फिर एक स्मार्ट कार्ड जो कि बिल्कुल अपने मेट्रो की कार्ड के जैसा दिखता है। हालांकि ये जो कार्ड है ये काफी ज्यादा एडवांस्ड है देन आवर यूजुअल मेट्रो कार्ड। यहाँ पे दोस्तों आप जो है जैसे ही अपने कार के पास जाएंगे और अगर आपके पास ये कार्ड है, तो आपको जो है अपने गाड़ी को टच भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही आप उसके एक सर्टेन डिस्टेंस पे पहुंचेंगे, ये कार जो है ऑटोमेटिकली अपने आप को अनलॉक कर देगा। और ये जो फीचर है ये सेम टू सेम रेप्लीकेट होता है अपने स्मार्टफोन के साथ भी। अगर आपके स्मार्टफोन में टेस्ला का ऐप है, तो आपको जो है बस उसके साथ आपको फोन को सिंक करके रखना है। और अगर आपके पास वो कार्ड नहीं भी है, अगर आपके पास आपके पॉकेट में आपका सेलफोन है, आपका स्मार्टफोन है, तो बस आप अपने कार के पास जाइए और आपका कार जो है अनलॉक हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो फीचर है मेरे ख्याल से बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है। तो आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द कार्स में जो है कीलेस गो आ चुका है, लेकिन ये इसी कीलेस गो को एक स्टेप और आगे लेके जाता है। यहाँ पे तो की या की फॉब ही नहीं है, यहाँ पे सिंपली एक कार्ड है और या फिर आपके स्मार्टफोन ही जो है वही आपके कार के की का काम कर देगा। तो यानी कि आपको जो है 10 चीजें लेके घूमने की जरूरत ही नहीं है, बस एक स्मार्टफोन है और वही आपका कार का चाबी है, आपके कार का पूरा कंट्रोल सेंटर है। तो ये एक काफी बेहतरीन फीचर है। दूसरा फीचर है वो भी आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइज, ये है रिमोट एक्सेस। गाइज सपोज कीजिए कि आपकी कार जो है वो आपके गैराज में है और आप जो है यहाँ पे अपने घर पे हैं। दोस्तों आप अपने घर पर रेडी होते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कार जो है आपके गेट के सामने खड़ी मिले जैसे ही आप ऑफिस के लिए अपने घर से निकलते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, अपने फोन को उठाइए, टेस्ला का ऐप खोलिए और समन फीचर का जो है यूज कर लीजिए। ये समन फीचर जो है दोस्तों आपकी कार को जो है आपके लोकेशन तक सेल्फ ड्राइव करके लेके आएगा, यानी कि आपकी कार जो है वो ऑटोमेटिकली आपके गेट के सामने आ जाएगी, अपने आप को खुद ही सेल्फ ड्राइव करके लेके आ जाएगी। वॉल्वो एंड बीएमडब्ल्यू के कार्स में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है आप अपने कार को अपने स्मार्टफोन के थ्रू ही अपने पास लेके आ सकते हैं, विच आई फील इज एन एक्सेलेंट फीचर। और इंडिया में तो दोस्तों मुझे पता नहीं किस टाइप से और कितना ज्यादा ये सक्सेस होगा इन फ्यूचर। जैसे यूएसए में या फिर दूसरे फॉरेन कंट्रीज में है, वहां पे दोस्तों जो गैराज के गेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन एंड क्लोज होते हैं थ्रू बटन्स। तो वहां पे जो है ये काफी कन्वीनियंट एंड निफ्टी फीचर है। वहां पे आपके कार्स जो है आपके गैराज में रहते हैं, ऑटोमेटिकली गेट खुला, गाड़ी निकली और आपके घर के सामने आके गाड़ी रुक गई। सो ये जो है एक तरीके से आपको लेजी भी बनाता है, लेकिन एक बहुत ही सही और इनोवेटिव फीचर है। अगर एक और इसी फीचर में थोड़ा सा मैं आपको और एड ऑन करूं, तो अगर आपके पास टेस्ला की रिमोट ऐप है, आप बैठे आपकी कार पार्क्ड है इंडिया में और आप बैठे यूएसए में, तो आप अपने कार को जो है वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, विच आई फील इज एन ऑसम फीचर। आप बैठे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और इजीली जो है आप अपने कार को लॉक अनलॉक, उसके सारे वाइटल स्टैट्स डेटा सब कुछ जो है वहां से बैठ के देख सकते हैं और अपने कार को जो है रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अपने कार का की जो है गलती से अपने साथ लेके चले गए हैं, तो भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, आपके भाई बहन वाइफ कोई भी जो है आपके कार को अंदर बाहर कर सकते हैं, विच आई फील इज रियली एन ऑसम फीचर। तो गाइज ये तो आपको पता ही है कि टेस्ला जो है एक फुल्ली इलेक्ट्रिक कार है और फीचर वाइज दोस्तों ये जो है बिल्कुल ब्रिम तक भरी पड़ी है। मतलब इतना ज्यादा फीचर्स है इस कार में कि कभी कभी बंदा खुद कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये सारे फीचर्स भी मेरे कार में है, मतलब पता भी ना हो मे बी, या फिर पता भी हो तो मे बी यूज भी ना कर पाए। तो गाइज यहाँ पे टेस्ला की एक खासियत है कि टेस्ला जो है आपके स्मार्टफोन की तरह ओवर द एयर अपडेट्स हो सकती है।
आप अपने कार में जो है एक टाइम फिक्स कर दो कि भाई रात के 10 बजे मेरे कार में जो भी अपडेट्स आ रखी है, जस्ट लाइक योर एंड्रॉइड और iOS स्मार्टफोन, आप जैसे ही अपने फोन्स को अपडेट करते हैं, जस्ट सिमिलरली आप एक टाइम फिक्स कर दो कि भाई रात के 10 बजे मेरे टेस्ला में जो जितने भी वाइटल अपडेट्स हैं वो हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये करके आराम से अपने घर में बैठ के डिनर कर रहे हो, सो रहे हो, आपकी कार जो है ऑटोमेटिकली ओवर द एयर अपडेट हो जाएगी, क्योंकि टेस्ला में जो है दोस्तों LTE कनेक्टिविटी हमेशा रहती है, विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड इसी वजह से दोस्तों टेस्ला जो है एक कम्प्लीटली स्मार्ट कार बन जाती है। आपको जो है जितने भी टेस्ला द्वारा अपडेट्स निकाले जाते हैं अपने आपके कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम, मैप्स या फिर दूसरे अदर इलेक्ट्रॉनिक्स के, बिना सर्विस सेंटर किए आपको अपने घर में ही ओवर द एयर मिल जाएगा, विच इज अनदर ग्रेट इनोवेशन एंड आई फील इज अ वेरी निफ्टी फीचर टू हैव इन एनी कार। और मे बी फ्यूचर में आने वाले सभी कार्स में जो है दोस्तों हमें ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। बात करते हैं दोस्तों HEPA फिल्टर की। गाइज आप अगर दिल्ली या फिर नॉर्थ इंडिया के कोई भी मेजर शहर में रहते हैं तो आपको पता है कि आज के डेट में कितना ज्यादा पोल्यूशन है, स्पेशली दिल्ली में दोस्तों स्मॉग वगैरह जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए ऑटोमोटिव के वजह से भी ये पोल्यूशन जो है काफी होता है। लेकिन एक फ्रेश एंड हेल्दी एयर ब्रीद करना जो है हमारे हेल्दी लिविंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों टेस्ला में आपको मिलता है HEPA फिल्टर, ये हेपा फिल्टर कह लो या HEPA फिल्टर कह लो, ये बेसिकली आपके नॉर्मल घर के एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है। कार एयर प्यूरिफायर्स तो ऑब्वियसली बहुत जगह बहुत वाइडली अवेलेबल है और कई सारे कार्स में जो है आपको ये नॉर्मल एयर प्यूरिफायर्स मिल भी जाते हैं एज अ स्टैंडर्ड फैक्ट्री फिटेड इक्विपमेंट। लेकिन यहाँ पे टेस्ला क्लेम करता है कि इनका जो हेपा फिल्टर है ये इतना ज्यादा एडवांस है कि ये बायो वेपन मोड के साथ आता है, बायो वेपन से भी जो है टेस्ला बचाए। बात करते हैं पांचवे पॉइंट की और वो है वैले मोड। अब गाइज आप किसी भी बड़े मॉल, होटल या फिर कोई ऐसे बड़े प्लेसेस पे जाते हैं जहां पे आपको वैले पार्किंग की सुविधा है तो आप अपनी महंगी गाड़ी को देने में हिचकिचाते जरूर होंगे कि कहीं आपके कार के साथ जो है कोई अनहोनी ना हो जाए। तो टेस्ला जो है इस चीज को दिमाग में रख के एक काफी अच्छा ऑप्शन निकाला है और वो है वैले मोड। अब गाइज आप अपने टेस्ला को लेके किसी भी बड़े होटल में जाते हैं, उसके पोर्टिको में उतरते हो, वहां पे वैले को आप कार हैंडओवर करने से पहले वैले मोड ऑन कर दो। इससे जो है दोस्तों आपके कार का ट्रंक यानी बूट, कि टेस्ला में सामने इंजन नहीं है तो वहां पे भी आपको स्टोरेज एरिया मिलता है जिसको यूजुअली दोस्तों ग्लोबली फ्रंक के नाम से कहा जाता है, तो फ्रंक ट्रंक एंड ऑल्सो आपके ग्लोव बॉक्स को जो है आप लॉक हो जाता है। साथ ही दोस्तों आपके कार की जो स्पीड लिमिट है वो 55 माइल्स पे आ जाती है, यानी कि अगर कोई चाहे भी तो भी आपके कार को जो है एक सर्टेन स्पीड के ऊपर नहीं लेके जा सकता है। तो वैले मोड आई थिंक इज अनदर ग्रेट थिंग टू हैव इन योर कार, आपके कार को सेफ रखता है, आपके कार के अंदर रखी हुई चीजों को सेफ रखता है। अगर आप कैश, मोबाइल या कोई भी ऐसी चीज जो आप सोचते हो कि आपके कार में जो है चोरी हो सकती है तो वो भी जो है आपके कार में सेफ रहेगा because of value mode. So guys, this is another feature you will get to see in Tesla car and I feel it's a great feature to have in any car. So, बात करते हैं छठे पॉइंट की और वो है क्रीप मोड टॉगल। अब गाइज अगर आपने एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी चलाई है तो आपने देखा होगा कि उसमें होता है क्रीप मोड। अब क्रीप मोड बेसिकली क्या करता है, जैसे ही आप अपने कार को ड्राइव मोड में डालते हैं, ब्रेक पेडल से पैर हटाते ही धीरे धीरे जैसे ही आपकी कार आगे बढ़ने लगती है, इसी को कहते हैं क्रीप मोड। और यहाँ पे दोस्तों टेस्ला ये भी ऑफर करता है कि आप अपने जरूरत के हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से क्रीप मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी तभी आगे बढ़े जब आप के एक्सीलरेटर को प्रेस करें, तो क्रीप मोड को अगर आप ऑफ कर देते हैं तो आपकी गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी जब आप जो है अपने कार के एक्सीलरेटर पेडल को प्रेस करिएगा। तो वैसे बात करते हैं सातवें फीचर की जो है स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। अब गाइस स्मार्टफोन के द्वारा आप अपने कार को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा दोस्तों आप पूरे कार को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बेहतरीन फीचर है किसी भी कार के लिए। आप अपने कार की AC के सेटिंग्स, हीटेड सीट की सेटिंग और भी दूसरे जितने भी तरीके के सेटिंग्स है, वैले मोड, एयर वेंट्स, ये सारी चीजों को जो है आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हैं अपने टेस्ला की। ऑफिस में बैठे हो, बस 10 मिनट में ऑफिस से निकलना, आप चाहते हो कि भाई जब जैसे ही गाड़ी में बैठूं गाड़ी मेरी बिल्कुल चिल्ड और मस्त रहे, वही म्यूजिक बजनी चाहिए जो म्यूजिक शायद आप प्रेफर करते हो सुनना, तो बस फोन उठाओ
टेस्ला का ऐप खोलो, सारे सिस्टम सेटिंग्स को सेट कर दो और बस यू आर गुड टू गो। अब बात करते हैं आठवें फीचर की और वो है इसका सेंट्रल टच स्क्रीन। तो अगर आप किसी भी टेस्ला में बैठो आपको उसके अंदर एक बड़ा सा टच स्क्रीन मिलेगा, कोई बटन नहीं कुछ नहीं, बस एक इंटरैक्टिव टच स्क्रीन जिसको आप उस कार का ब्रेन भी कह सकते हैं। मैप से लेके तमाम चीजें, पूरी गाड़ी की कंट्रोल जो है आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। उसका एक अपना यूजर इंटरफेस है, ना ही सिर्फ गाना बजाना या फोन कॉल या मैप देखना, उसे आप अपने कार की मोटर सेटिंग, स्टीयरिंग सेटिंग, सीट सेटिंग, एयर सेटिंग, सारी चीजें जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और टेस्ला जो है उसके लिए अपडेट्स भी निकालता रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया। इस स्क्रीन में दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रेन है। इस स्क्रीन से जो है अपने पूरे कार को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस स्क्रीन में दोस्तों इंटरनेट भी ब्राउज कर सकते हैं, उसमें youtube.com खोल सकते हैं। youtube.com खोल के दोस्तों आप ऑटो तत्व भी देख सकते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे ही मजेदार ऑटोमोटिव से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आपने अभी तक ऑटो तत्व को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, रेड कलर का बटन है। अब चाहे आप उसको अपने फोन में देखो, टेस्ला में देखो, किसी और डिवाइस पे देखो, तो वो तो आपको हर जगह मिलेगा। तो गाइज ऑटो तत्व को सब्सक्राइब करो, मतलब ये मेरे बताने का तरीका था यार, कर लो सब्सक्राइब, फ्री है। बात करते हैं नौवे फीचर की, जो बहुत ज्यादा आपने सुना होगा और मे बी आपको पता भी होगा, वो है ऑटो पायलट। अब यार ऑटो पायलट इंडिया में कितना सक्सेस होगा ये मुझे नहीं पता यार, लेकिन टेस्ला का ऑटो पायलट दोस्तों इज ऑलमोस्ट एज गुड एज बीइंग अ ड्राइवरलेस कार। आप अपने कार में गाड़ी चलाते चलाते बोर हो गए तो टेस्ला को जो है आप अपने ऑटो पायलट मोड पर डाल दो और वो कार जो है लेन डिटेक्ट करता हुआ, ऑटोमेटिकली स्टीयर करता हुआ आपको जो है आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। तो गाइज आज के डेट में ऑटोनोमस कार में दोस्तों टेस्ला का ऑटो पायलट जो है ऑलमोस्ट इज एज क्लोज टू एज बीइंग एन ऑटोनोमस कार। बहुत ही रिफाइंड टेक्नोलॉजी है ये टेस्ला की तरफ से। आपने जो है कई ऐसे न्यूज आर्टिकल्स या फिर वीडियोस देखे होंगे जिसमें टेस्ला का ऑटो पायलट के बारे में आपको देखने को मिलेगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड ऑटो पायलट सिस्टम इन अ कार एज ऑफ नाउ इन टूडेज वर्ल्ड। अब इंडिया में दोस्तों लेन ट्रैफिक तो हम फॉलो करते नहीं है, तो टेस्ला की कार या फिर कोई भी ऑटो पायलट कार कितना सक्सेसफुल हो पाएगा ये तो दोस्तों समय ही बताएगा। लेकिन आप बताओ आपको क्या लगता है, क्या ऑटो पायलट या ऑटोनोमस कार इंडिया में सक्सेसफुल होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने व्यू जरूर बताना दोस्तों। मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या इस टाइप की फीचर्स इंडिया के लिए बनी है? प्लीज जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। फाइनली दोस्तों बात करते हैं दसवें पॉइंट की। ऐसा कभी हुआ है कि आपकी कार जो है पंक्चर हो गई और आपको टायर चेंज करना है, तो आप जो है जैक लगा के उठाते रहते हैं एंड बहुत क्लमजी सा अफेयर कभी कभी बन जाता है? वेल गाइस टेस्ला आता है जैक मोड के साथ, जहां पे दोस्तों जैसे ही आप सेंट्रल टच स्क्रीन से जैक मोड को ऑन कर दीजिएगा वहां पे दोस्तों आपका कार जो है एक जैक्ड अप सस्पेंशन मोड पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। उसका सस्पेंशन अपने आप जो है राइज हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से टेस्ला के नीचे जो है जैक लगाओ और अपने टायर को जो है आराम से निकाल लो। आप ही सोचो दोस्तों इस फीचर की होने की वजह से कितना कम ह्यूमन एफर्ट लगता है, यानी कि जैक मोड भी है आपके कार में और आपको जो है ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो यार इलॉन जी ने इतना कुछ सोचा है आपके लिए, उनके टीम ने इतना कुछ सोचा है कि टेस्ला को जो है मतलब इतना ज्यादा फीचर लोडेड बना दिया कि शायद इन चीजों को आज से 10 या 20 साल पहले हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे, लेकिन आज के डेट में ये पॉसिबल है। अलग टेक्नोलॉजी, कितना अलग जो है हमारा ऑटोमोटिव वर्ल्ड दिखेगा आज से कुछ टाइम बाद। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बताना नहीं चाहिए यार, बस लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो टेस्ला फैंस है या सोचते हैं कि कभी जाके इन फ्यूचर जो है टेस्ला ओन करेंगे। तो और जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फासन सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गैजेट हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।